विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद कुछ ऐसा किया जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, दरअसल आईसीबी और केकेआर के बीच खेले गए मुकाबले में आईसीबी की टीम पहले खेलते हुए नजर आई, जिसमें विराट कोहली पहली बार शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखे और आखिर तक 83 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत आईसीबी की टीम 182 रन बना सकी। तो वहीं केकेआर की तरफ से सुनील नायर ने क्या शानदार अंदाज में पावर प्ले में बल्लेबाजी की और उन्होंने 47 रनों की शानदार पारी खेली और सिर्फ 22 गेंदों में। वहीं देखा गया कि गौतम गंभीर काफ़ी ज़्यादा निराश हुए जब सुनील आउट हुए। और वहीं आखिर में श्रेयस अय्यर ने 50 रनों की पारी खेली और केकेआर को 7 विकेटों से मैच जिता दिया। तभी देखा गया एक शानदार नज़ारा, विराट कोहली जब ग्राउंड से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने रिंकू सिंह को गले लगाया और उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आए।